आप मैं सबसे पहले सबसे बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मेरठ की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरठ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा, पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो शीर्ष नेतृत्व तो बीजेपी का जिन्होंने मेरे मुझे इस योग्य समझा, मुझे जिम्मेदारी, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ के सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मैंने जो जिम्मेदारी अपने ली है अपने ऊपर, मैं उसका पूरी तरह निर्वाह करूंगा। आप मेरठ में रहेंगे, कहाँ रहेंगे और कैसे आपको जनता मिल पाएगी? क्या करनी चाहिए प्राथमिकता सांसद होने की? प्राथमिकता की बात आज मत कीजिए अभी, ठीक है ना? प्राथमिकता बनेंगे धीरे धीरे, जब एक चीज को हम समझ जाते हैं तब। अगर किस तरह उतरना नहीं होता भैया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होता है, वो मेरी कोशिश। एक इंसान आपको लेकर बातें किया करते थे कि कहां जाकर ढूंढेंगे, मुंबई में ढूंढेंगे। मैं मेरठ का था, मेरठ का हूँ, मेरठ का ही रहूंगा। जनता आप जीत गए हैं तो जनता अपनी समस्या लेकर आपके पास कहां पर आए मिलने के लिए? आज ही पता बताऊं आपको? नहीं तो आज से पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यहां का रिजल्ट क्या होगा, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए हर चीज के लिए। आप एक सेकंड में अगर हर चीज जानना चाहेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। मेरठ में ही मिलूंगा, नेचुरली मेरठ में मिलूंगा ना, मेरठ का हूँ तो कह रहा हूँ आपसे। मेरी पूरी कोशिश होगी। देखिए, हर व्यक्ति अपनी सक्षमता से, अपनी योग्यता से काम करता है, तो अगर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं। पहली प्राथमिकता क्या होगी जी? पहले भैया बता दे, आप सारी चीजें आज ही पूछ लोगे क्या? बताओ, कुछ तो मन में जो समस्याएं आती चली जाएंगी वो बहुत पुरानी बात हो गई भाई, बहुत पुरानी बात हो गई। पुरानी पुरानी बातें निकालोगे तो नई बातें कैसे करेंगे हम? मेरठ के लिए, मेरठ की प्रगति के लिए जो भी नया हो सकता है वो किया जाएगा।